सर आपको बड़ी जिम्मेवारी देने की बात हो रही है, कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है सर? बात हुई केंद्र में, बातचीत हुई है तो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि आपको कोई और जिम्मेवारी देंगे, वो जिम्मेवारी क्या होगी मैं समझता हूँ जल्दी ही कोई ना कोई बात करके और कोई निर्णय लिया जा सकता है। हो सकता है कहीं लोकसभा के चुनाव की बात आ जाए, और क्योंकि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल एकदम निर्णय उसके होने हैं, मुझे ऐसी संभावना है कि शायद ऐसा हो सकता है। अगर वो होगा तो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। नहीं, उस तारीफ का क्योंकि हमारे पुराने संबंध हैं, उनको अचानक उस विषय की जब याद आई है, जब भी कोई बात मन में आती है वो बोलते हैं, मुझे भी अच्छा लगा है कि पुरानी बातें उन्होंने याद की हैं, लेकिन उस तारीख का इस घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है। कुल मिलाकर के बहुत समय पहले मैंने स्वयं होकर के आगे बढ़कर के कहा था कि हमको कोई नया नेतृत्व जो लाना है समय रहते लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ विचार करेंगे, अब विचार किया है तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हमने विचार कर लिया है और आप अपने विधायक दल में इस विषय को रखिए। मैंने स्वयं विधायक दल की मीटिंग में ये विषय रखा और सबने बड़ा स्वीकार किया, सर्वसम्मति से स्वीकार करके निर्णय लिया गया कि उनको आज जो है मुख्यमंत्री। देखिए बहुत कुछ नया किया है, मैं इस 9.5 साल के कार्यकाल को अगर इसकी एक प्रकार से मैं मूल्यांकन करता हूं तो जितने व्यवस्था परिवर्तन के काम कर सकते हैं, जो हमारे ध्यान में आए, जनता को एक ठीक रास्ते पर उनको यानी शासन का लाभ मिले, बिना किसी अवरोध के मिले और आसानी से मिले, और जो डिजर्व करता है पात्र व्यक्ति है उसको पहले मिले, ऐसी सारी व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं, चाहे वो कंप्यूटराइजेशन है बहुत चीजों का, चाहे टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर व्यवस्थाएं खड़ी करनी है, और हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का जो किया, बहुत पहले एक विचार था कि एम्प्लॉइज को बहुत परेशानी होती है ट्रांसफर के नोट से उसे जाते हुए, वो हमने किया। भर्तियां पिछले 10 साल से कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे सिफारिश से या पैसा खर्च करके भर्तियां लेनी पड़ी, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े डीलिंग, चाहे वो लाइसेंस के हैं, चाहे वो CLUs के हैं, चाहे अन्य प्रकार के, ये सब हमने किए। बहुत चीजें कई कई वर्षों से अटकी रहती हैं सरकारी सिस्टम में, चीजें बिगड़ जाती हैं, विवाद खड़े हो जाते हैं, तो हमने विवादों का समाधान इतने सारे काम लोगों के हित में किए हैं, खास करके जो जमीनें हैं, एसेट्स हैं, दुकानें हैं, 20-20 साल पुरानी ऐसे कब्जे की दुकानें कहें या जो लीज पर दी गई थी, पटे पर दी गई थी, उनको उनका मालिकाना हक दिया है, बहुत ऐसे काम किए गए हैं जिसको आज दुनिया याद करती है कि इस समय में 9.5 वर्ष में बहुत नए नए काम हुए जिसका लाभ जनता को सीधा हो रहा। नायब सिंह सैनी मेरे बहुत पुराने साथी हैं। मुझे याद है कि जब पार्टी का काम संगठन मंत्री के नाते मैंने संभाला था 1994 में, उसके कुछ 1-2 वर्ष के बाद 1995-96 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी हमारे यानी हरियाणा प्रदेश के प्रभारी बने थे, उसी समय लगभग कार्यालय में काम करने के नाते से नायब सिंह सैनी हमारे पास आए थे और हमने उनके साथ मिल करके जो भी यानी एक प्रकार से कंप्यूटर का काम, खास करके टाइपिंग का काम या हमारे ऑफिस का जो बाकी काम लिखने पढ़ने का, वहां से उन्होंने शुरू किया और बढ़ते बढ़ते एक अच्छा विकास उनका हुआ। लगातार मैंने बहुत प्रांतों में, मेरा भी चुनाव में ड्यूटी लगती रही तो हम साथ भी जाते रहे, काम करते रहे, और एक समय ऐसा आया कि जब विधानसभा का चुनाव नारायणगढ़ से लड़ने की बात आई 2014 में, तो पार्टी ने, मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, लेकिन पार्टी ने एक अच्छे वर्कर के नाते, कार्यकर्ता के नाते उनको चयन किया, विधायक बने, फिर मंत्री बने, लेबर मिनिस्टर बने, उसके बाद उसी 4.5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ तो कुरुक्षेत्र से सांसद बन गए और अब पिछले कुछ महीने से प्रदेश के अध्यक्ष हो गए। तो एक व्यक्ति पहचाना जाता है, कार्यकर्ता जिसके अंदर एक गुण है, सौम्य स्वभाव के हैं, बहुत सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, कभी गुस्सा नहीं आता है, समाज में एक स्थान बना हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।